Hey everyone, welcome back to my channel. Welcome to another vlog. आज है सैटरडे एंड टुडे इज 30th ऑफ नवंबर और अभी बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं, 4:30 हो रखे हैं. सो बेसिकली राइट नाउ ऑन माई लिप्स आई एम हैविंग बताती हूँ वेट. सो एक्चुअली ना मैंने कुछ रिसेंटली न्यू लिपस्टिक्स परचेज की हैं जिनको कि आपने मेरे किसी हॉल में या अभी जो रिसेंटली हॉल आया था उसमें देख लिया होगा. तो दीज आर दोज लिपस्टिक्स. सो मुझे उनका ना रिव्यू करना है. फॉर दैट रीजन मैं इनको अपने पास ही रख रही हूँ. मैंने उन सबको इस पाउच में डाल लिया है टू सी कि मतलब भाई कि कितनी देर तक वो लिप्स पे टिकती हैं, क्या मतलब कितना टाइम तक वो रहेंगी एंड समथिंग लाइक दैट. सो राइट नाउ आई एम हैविंग एलिटीन क्रियॉन लिपस्टिक ऑन माई लिप्स एंड दिस इज इन द शेड 06 शॉकिंग पिंक. या सो मैंने इसे अप्लाई कर रखा है और मुझे इसे अप्लाई किए हो गया है 2 घंटे हो जाएंगे नियर अबाउट थोड़ी देर में. सो बेसिकली इसके बारे में डिटेल रिव्यू मैं करने वाली हूँ. थोड़ी क्रीमी फार्मूला है इसका बट क्रियॉन में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. गुड फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स. बाकी इतना ही पता चला है अभी मुझे इसके बारे में. बाकी मैं आप लोगों को जब इसका डिटेल रिव्यू बनाऊंगी तब आप लोगों को बता दूंगी. और मैंने मेरे एक व्लॉग में बोला था कि मैं ये लेके आई हूँ. दिस इज वीट रेडी टू यूज फुल बॉडी वैक्सिंग किट सलून स्मूथ फिनिश एट होम इन 3 सिंपल स्टेप्स पील अप्लाई एंड पुल. सो इसमें 20 प्री कोटेड वैक्स स्ट्रिप्स एंड 4 परफेक्ट फिनिशिंग वाइप्स दे रखे हैं. दिस इज फॉर नॉर्मल बॉडी एंड लेग्स बट मैं इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करके इसको अपर लिप्स के लिए यूज करूंगी. बस ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है. एंड मोर ओवर आई हैव सीन सो मेनी इन्फ्लुएंसेस डूइंग दिस सो आई वाज लाइक लेट्स डू दिस. सो इस पूरे पैकेट में व्हाट यू गेट इज आई गेस 4 ऑफ दीज सैशेज जिसके अंदर की वाइप्स हैं आफ्टर शेविंग वाइप्स आफ्टर वैक्सिंग वाइप्स. आई थिंक इनफ क्योंकि वो ना लिक्विड निकलने लगा था. So let me just put one strip. Wait, it's going to be a tough job. Upper lips are done now and आज ऑब्वियसली संडे है सो आज मास्क का दिन है. तो मैं यहाँ लगाने वाली हूँ ममा अर्थ C3 फेस मास्क विथ चारकोल कॉफी एंड क्ले. एंड डोंट माइंड दिस एरिया बिकॉज अभी जस्ट वैक्सिंग हुई है. सो दिस इज द फेस मास्क विच आई एम गोना यूज टूडे. एंड बहुत बार मैंने यूज कर लिया है बट आई हैव टू डू द रिव्यू. सो बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आपको इसका रिव्यू देखने को मिल जाएगा. फॉर दैट रीजन आई एम जस्ट अप्लाइंग इट. अब मैं इसको वेट करूंगी इसके सूखने का. लाइक आफ्टर 15 मिनट्स मैं जाके नहा ही लूंगी बिकॉज मुझे सिर भी धोना है एंड ये भी वॉश हो जाएगा. सो आफ्टर 15 मिनट्स आई विल गो एंड टेक बाथ. उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि मेरा वीट स्ट्रिप के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा. एंड तो मैं नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ. मेरी बहुत गंदे वाली लाइक अच्छे वाली आदत है कि आफ्टर एवरी वॉश आई यूज सिरम. सो ये स्ट्रीक्स का सिरम. सो मैं इसको यूज करती हूँ. इससे क्या होता है बाल थोड़े डिटेंगल करने में इजी हो जाते हैं. so.
से उसके बारे में बात करें, जो वीट स्ट्रिप मैंने अभी वैक्सिंग के लिए यूज की थी, एक सेकंड में उसे ले आती हूँ। सो दीज आर दी वीट स्ट्रिप्स जो अभी मैंने वैक्सिंग करने के लिए यूज की थी। एंड जब किया मैंने ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, बट हाँ उसने हेयर को रिमूव किया। बट द थिंग इज जो इसके अंदर जेल है या फिर जो वैक्स है वो इतने गंदे से यहाँ पे चिपक के रह जाती है आपके फेस पे या आपकी स्किन पे, कि मैंने उसे सोप से रिमूव करने की कोशिश की, नहीं उतरी। मैंने उसे गर्म पानी से रिमूव करने की कोशिश की, नहीं उतरी। फेस वॉश सब यूज कर लिए, एट लास्ट मुझे मेकअप रिमूवर यूज करना पड़ा। एंड जब जाके वो रिमूव हुई एंड दिस पार्ट इज पेनिंग नाउ, मतलब मैं वैक्स स्ट्रिप से कर लेती हूँ घर पे जो वैक्स आते हैं ना, जो लिक्विड वाली, उसको लगा के एंड देन स्ट्रिप लगा के वाला मैं कर लेती हूँ। बट लेकिन दिस वॉज सो अ लिटिल पेनफुल, लाइक करते टाइम दर्द हुआ, बट नाउ दिस एरिया इज लाइक दर्द हो रहा है इस एरिया में। सो आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप वीट स्ट्रिप्स को, बेशक वो फेस के लिए ही क्यों ना बनी हो, उसको फेस पे अप्लाई करें, बिकॉज इट कैन बी लिटिल डेंजरस। इनफैक्ट वो स्किन को थोड़ा लूज भी करता है। सो फॉर दैट रीजन आई वॉन्ट रिकमेंड दिस। आप अपने हाथ पैरों पे भी यूज कर सकते हैं, बट मे बी मैंने ये खरीद लिया तो मैं इसको यूज करूंगी, अदरवाइज आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू रीपर्चेज दिस प्रोडक्ट। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ ऐसा कोई, मतलब इट इज लाइक प्रोडक्ट आई रिग्रेट बाई। अगर आपको अपने बालों में वॉल्यूम चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने बालों को ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो बिकॉज ब्लो ड्राइंग से समटाइम्स वॉल्यूम नहीं आती है बालों में। सो व्हाट यू कैन डू इज आप अपने बालों को नीचे फ्लिप करके, जैसे अभी मैं वीडियो में कर रही थी, नीचे फ्लिप करके और फिर ड्रायर से सुखाइए। जब 90% बाल सूख जाए देन उसको दोबारा फ्लिप कर लीजिए और नीचे करे कर ही उसको कॉम कीजिए एंड देन उसको दोबारा बैक कर लीजिए, एंड कॉम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एंड योर हेयर विल गेट अ नाइस नेचुरल वॉल्यूम। सो हे गाइज, जस्ट अभी मैं कॉलेज से आई हूँ एंड मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए। लाइक अभी नहीं आई हूँ, अभी रात के 7:30 बज रहे हैं, मैं बहुत पहले आ गई थी और मेरे ना एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। सो फाइनली झंझट गया और अब धड़ाधड़ वीडियोज आई। आई डोंट नो ये व्लॉग कब जाने वाला है, बट आई डोंट नो। सो मुझसे ना एक ब्रांड ने कॉन्टेक्ट किया था, दिस इज हिमालयन ऑर्गेनिक्स, और इन लोगों ने मुझे अपने कुछ प्रोडक्ट्स सेंड किए हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं और ये मुझे अमेज़ॉन से ही आए हैं। सो आई हैव दिस हिमालयन ऑर्गेनिक टी ट्री शैम्पू, एक्सट्रैक्ट ऑफ एलोवेरा एंड भृंगराज, प्योरीफाइंग एंड क्लिनजिंग डेंड्रफ, नरिशेज एंड स्मूदेज द हेयर एंड स्कैल्प, नो पैराबेन एंड नो सल्फर। तो ये 300 ml ऑफ प्रोडक्ट है और ये आता है 765 rupees का, बट अभी आई गेस डिस्काउंट चल रहा है एंड ये आपको पड़ेगा 445 rupees का, अच्छा खासा डिस्काउंट है। सो अभी तो मैंने इनको यूज करके नहीं देखा है। सो होप सो मैं इनको जल्दी से, लाइक कल ही मेरे को हेयर वॉश करना है तो मे बी मैं कल ही इसे यूज़ करके एंड देन आप लोगों को बता दूंगी कि ये किस टाइप के हैं, और मे बी ये व्लॉग आएगा उससे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे इनका रिव्यू कर चुकी होंगी। सो जस्ट गो एंड वॉच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम रिगार्डिंग दीज प्रोडक्ट्स। और पहले तो है ये टी ट्री शैम्पू। टी ट्री आप लोगों को पता होगा आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, एंड दीज आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सो तो ये सेकेंड पार्सल है, इसके अंदर है हिमालयन ऑर्गेनिक्स मोराकन आर्गन कंडीशनर एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ मोरिंगा एंड भृंगराज, हाइड्रेट्स एंड नरिशेस हेयर, रिस्टोर शाइन्स एंड सॉफ्टनेस, नो पैराबेन नो सल्फेट। इनके प्रोडक्ट्स की ये चीज़ अच्छी है कि पैराबेन एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स हैं। दिस इज 300 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड इट रिटेल्स फॉर 795 rupees, और इसका भी प्राइस मैं डिस्काउंटेड बता देती हूँ आप लोगों को। वेट,
ये आपको पड़ेगा 399 रुपीज़ में. सो इफ यू वांट टू परचेज यू कैन ग्रैब दैट. पैराबेन एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स और अच्छी क्वालिटी के मिलना मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. सो मे बी अगर ये वर्क बहुत अच्छे वर्क है तो डेफिनेटली मैं इनका आप लोगों के साथ यूट्यूब पे भी एक रिव्यू शेयर कर दूंगी, बट मोस्ट प्रोबेबली इंस्टाग्राम पे ही शेयर करने वाली हूँ. सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड चेक द रिव्यू. एंड या दीज आर दी टू प्रोडक्ट्स. 300 ml की बॉटल्स हैं, पंप सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में आ रहा है. और तो क्या अब मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगी इसके बारे में, गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम. ओके, सो दीज वर दी टू पैकेजेस फ्रॉम इंस्टाग्राम. सो आज के दिन बहुत पैकेजेस रिसीव हो रहे हैं. सो दो तो ये थे एंड देन आई हैव वन मोर पैकेज. दिस इज फ्रॉम नायका. इसको भी मैं खोल के देख चुकी हूँ इसके अंदर क्या क्या है वो डिटेल में आपको एक हॉल वीडियो आएगी कुछ दिनों में, तो आप उसमें देख लीजिएगा. बिकॉज अभी ना कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे परचेज करनी है. सो आई एम थिंकिंग कि मैं हॉल वीडियो में सब कुछ इंक्लूड कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट मी परचेज दो स्टफ्स फर्स्ट एंड देन आई टेल यू गाइज वट आई हैव इन दिस. ये मैंने नायका पिंक सिल से परचेज किया था. इस बार बहुत पथेटिक डिलीवरी हुई है नायका की. लाइक आई हैव ऑर्डर्ड ऑल द स्टफ ऑन 30th of November और मेरे को ये मिल रहे हैं 5th of December. सो यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा बेकार इनकी डिलीवरी हुई है. ओके गाइस, सो मुझे अभी जैसे मेरे वेकेशंस तो खैर कहाँ नाम नाम के वेकेशंस हैं, मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं. सो आई वॉज थिंकिंग टू शूट अ बंडल ऑफ वीडियोज ताकि जब क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो प्रॉब्लम ना आए. सो आई एम थिंकिंग टू मेक अ बैकग्राउंड फॉर माई वीडियोज एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ. कुणाल है मेरे साथ अभी यहाँ पे, वो मेरी हेल्प करेगा इस चीज़ में. एंड यस वी विल डू दैट नाउ. करें अभी हम लोग वो करते हैं. सो मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ. आई शो यू वेट. सो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जहाँ पे ये रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसकी गद्दियाँ ले लेते हैं और इसकी गद्दियों को वहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो पीछे का ये बैकग्राउंड सही है, मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. या फिर इसके पीछे कोई चादर वगैरह लगा के कोई प्लेन बैकग्राउंड चाहिए तो प्लेन बना लेंगे एंड फ्लावर्स वगैरह रख देंगे. कुछ ऐसा समथिंग अभी सोचा है मैंने. लेट्स सी उसे एग्जीक्यूट करके कि कैसा आता है. दिस इज द नेक्स्ट डे एंड कल मैं आप लोगों को सेटअप दिखाने वाली थी बट नहीं हो पाया वो बिकॉज आई वॉज लाइक सो स्लीपी. बिकॉज मेरे एग्जाम खत्म हुआ था ना तो मैं रात को सो नहीं पाई थी. एंड अभी आप लोगों को मैं ऐसे नजर आ रही हूँ लाइक मेकअप एंड ऑल दैट बिकॉज टुडे आई वाज शूटिंग एंड लाइक मैं आप लोगों से पूरे 24 घंटे बाद मिल रही हूँ. अभी कल मैंने 8 बजे आप लोगों से मिली थी और अब मैं अगले दिन के रात के 8 बजे हो गए हैं. तो अभी मैं जस्ट एक वीडियो शूट कर रही थी. मैंने अभी 2 वीडियो शूट की है एंड पूरा मेस बना दिया मैंने यहाँ पे. या सो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट. आई थिंक ये वीडियो पूरी टॉकटिव हो गई है बिकॉज मैंने मोस्टली इसमें आप लोगों को वीडियो प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बताया जा रही हूँ. सो दिस इज वाओ एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश. आपने मेरे को इस फेस वॉश के बारे में मेरी बहुत सारी स्किन केयर की या ऐसी वीडियोज में यूज करते हुए देखा होगा एंड आई ऑल्सो सेड कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. सो दिस इज पैराबेन एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट, 100 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज फॉर 349 रुपीज एंड इट इज फ्रॉम द ब्रांड वाओ स्किन साइंस. दिस इज द प्रोडक्ट एंड द थिंग इज if you have active prone skin, if you have sensitive skin, you should definitely give this a try. ये मेरा खत्म हो गया है बहुत, मतलब इसकी स्किन पे लगा रह गया जो रह गया. मैं जस्ट उंगली डाल के और मुझसे निकलता है तो मैं निकाल लेती हूँ. आई एम यूजिंग दिस एंड इट हैज चेंज्ड माय स्किन टेक्सचर एंड स्किन फॉर्मूला लाइक एनीथिंग. इट इज वर्किंग सो वेल फॉर मी राइट नाउ एंड आई थिंक इट्स बीइंग लाइक 1 ईयर सिंस आई एम हैविंग दिस प्रोडक्ट. बट बीच में यूज करती फिर छोड़ देती, फिर यूज करती फिर छोड़ देती, बट लाइक नाउ इट्स बीइंग 15 days दैट आई एम यूजिंग दिस एंड इट इज गोइंग टू फिनिश. इसके बाद मैं यूज करना शुरू करूंगी ये वाला. दिस इज सेटाफिल जेंटल क्लिनजिंग स्किन क्लेंजर फेस एंड बॉडी ऑल स्किन टाइप्स. ये मैंने अभी नायका से परचेज किया है जब ये नायका पे पिंक सेल चल रही थी. यूज नहीं किया, अभी सोच रही हूँ ये खत्म हो जाए उसके बाद यूज करती हूँ. बीच बीच में क्यों बार बार चेंज किए. सो लाइक मोस्टली 3 or 4 days और चलेगा मेरा ये. बट आई लाइक मुझे नहीं पता मैं इसके बारे में क्या बोलूँ. बस मैं अगर
आंख बंद करके मैं ये चीज रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसे एक बार परचेज करके जरूर ट्राई करके देखना, बिकॉज ये सच में बहुत अच्छा है एंड इसको मैं डेफिनेटली दोबारा परचेज करूंगी, नो डाउट. सो या दिस आई सजेस्ट. एंड ऑल्सो इसमें ना बहुत ब्लैक ब्लैक ये छोटी छोटी बीट्स हैं जो कि आपको थोड़ा एफोलिएट करने में भी हेल्प करती हैं, चारकोल की बीट्स हैं. सो एंड ऑल्सो इसमें ना बहुत छोटी छोटी ग्रीन कलर की भी है. मेरा कैमरा ना इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, बट ये देखो ये ग्रीन कलर की है यहाँ पे एंड ये ब्लैक कलर की है. सो ग्रीन कलर की है टी ट्री ऑयल वाली बीट्स एंड जो ब्लैक वाली है वो है चारकोल वाली बीट्स. सो आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. एंड अभी मैं क्या करूंगी, आई विल क्लीन माई एरिया, दिस एरिया जो कि मैंने अभी भुजाल बना दिया ये सब करके, और फिर जो भी मैंने रिसेंटली नायका से या फिर जहाँ से भी परचेज किया वो सारी चीज़ें मैं अलग करूंगी, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू डू हॉल. सो उसके रिगार्डिंग एंड या लेट्स डू दैट एंड टेल मी हाउ माई हेयर स्टाइल इज लुकिंग लाइक. आई गेस मैंने बालों को कट करने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग ऑन कैमरा विद दिस हेयर स्टाइल ऑन, अदरवाइज मैं इसको पीछे बांध लेती थी. सो डू लेट मी नो कि हाउ न्यू, डू लेट मी नो कि ये कैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है. एंड द लाइट्स आर ऑन दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग लाइक सो. एंड एक बारी मैं उठा के ये सारा सामान रख देती हूँ, देन आप लोगों से बात करती हूँ. आई हैव टू डू अ स्किन केयर वीडियो लाइक मैं ममा अर्थ की प्रोडक्ट से रिव्यू करने वाली हूँ अभी. सो जिसके लिए मुझे ये मेकअप रिमूव करना पड़ेगा, बहुत हो गया इस मेकअप का. सो या लेट्स रिमूव द मेकअप एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस मिसले वाटर फॉर रिमूविंग द मेकअप एंड या कर देती हूँ रिमूव भाई. स्टोरेज रिमूव करनी पड़ेगी फटाफट एंड